हेलो गाइस दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अरोमा मैजिक सनस्क्रीम का दोस्तों ये सन ब्लॉक लोशन है कैसा है किस तरह से आपने यूज़ करना है इसको दोस्तों इस्तेमाल करने का क्या क्या आपको वाकई कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं तो दोस्तों फुल डिटेल में बताएंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है हमारे फेस पर जो है सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सूरज की रोशनी जो है आपकी स्किन को काफ़ी हद तक डैमेज कर देती है जिसके अंदर जो है आपको सनस्क्रीन लगाने के कारण जो है आपको काफ़ी सारे जो है इसे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि आपके फेस पर जो है टेनिंग हो जाना आपके फेस पर जो है अगर सूरज की रोशनी के कारण जो है लाइन्स बन जाना फाइन लाइन्स जिसको बोलते हैं उनको भी रोकती है इसके अलावा जो है आपके स्किन को स्मूथ बनाने में काफ़ी बड़ा जो है रोल प्ले करती है इसके अलावा जब आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो उसके बाद जो आपके

अगर आप इसे सही तरीके से लगाएंगे तभी आपको इसके सभी फायदे मिल पाएंगे दोस्तों इसको लगाने का जो तरीका है दोस्तों वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपने जब बाहर जाना है जब आपको सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाना है उससे आपको पहले तीस मिनट पहले दोस्तों आपको इसको फेस पर लगानी है और दोस्तों उसके बाद जो है जब भी आप जो है अगर स्विमिंग करते हैं या फिर आपको ऐसा होता है कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा रीअप्लाई आप कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ साथ जो जब आप इसको लगातार जो है सन में जब भी कॉन्टैक्ट में जाएंगे उससे पहले जब आप लगाने का रूटीन सेट कर ले तो आपको लगभग एक से डेढ़ महीने बाद भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जिससे आपको ग्लो काफी बढ़ेगा और आज के समय में अगर आपका फेस पे ग्लो है तो दोस्तों आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है तो इसलिए दोस्तों आपको जो है ये सनस्क्रीन किस तरह से लगानी चाहिए उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी दोस्तों आपको कैसा लगा ये रिव्यू तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा